व्यापारी बिना किसी चिंता के करे कारोबार, जीएसटी को और सरल बनाने पर ध्यान दे रही है सरकार। पुणे में टैक्स अधिकारियों और कारोबारी संगठनों से बातचीत के बाद बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई से सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने पर सवाल उठाने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अगले 5 साल में 5 करोड़ रोजगार के मौके पैदा करने का लक्ष्य, एमएसएमई से जुड़े एक कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, निर्यात को बढ़ाने की बताई जरूरत। दस साल में 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को बनाया जाएगा उपजाऊ, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की घोषणा। भारत अगले महीने यूएनसीसीडी COP14 शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी, सम्मेलन में 200 से अधिक देशों के 3,000 से ज्यादा प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर में प्राइमरी और मिडिल के बाद कल से खुलेंगे हाई स्कूल, जम्मू कश्मीर सूचना और जनसंपर्क निदेशालय ने दी जानकारी। प्रशासन ने पाबंदी में ढील वाले इलाकों में दुकानें खोलने के साथ कारोबार शुरू करने की दी इजाजत। और अरुण जेटली के नाम पर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का होगा नाम, डीडीसीए ने किया ऐलान। 12 सितंबर को एक समारोह में होगा नामकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों के दौरे से लौटने के बाद दिवंगत अरुण जेटली के परिजनों से मुलाकात कर जताई संवेदना।